एनिमल किंगडम को नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजा और मेटाजोआ। प्रोटोजा यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे अमीबा, प्रामेसियम, एंटामीबा, शुलैटिका एटसेट्रा। अब बात करते हैं मेटाजोआ पे। ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे बर्ड, फिश, एम्फीबिया और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए आगे के टॉपिक्स को विस्तार से समझते हैं। बहुत सारे जूलॉजिस्ट इस बात पर अग्री करते हैं कि मेटाजोआ प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि मेटाजोआ प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं। बहुत सारे थ्योरीज प्रपोज्ड किए गए हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ पे, तो यहाँ हम इन्हीं थ्योरीज पे डिस्कस करेंगे। वैसे थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ तीन थ्योरीज पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी, कॉलोनियल थ्योरी। इस थ्योरी को और तीन भागों में बांटा गया है, बचलिस थ्योरी, लैंगस्टर्स थ्योरी एंड हैकल्स थ्योरी। दूसरा थ्योरी हम देखते हैं सिंसिशियल थ्योरी और आखिरी पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। अब हम पहले थ्योरी यानी कॉलोनियल थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ सिंगल सेल्ड फ्लैजेलेट कॉलोनी से ओरिजिन हुआ है। अब हम बचलिस थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। बचलिस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ कॉलोनी से तो हुए हैं, लेकिन प्लेट जैसा फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ से। लेकिन यह थ्योरी मेटाजोआ के एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने में असफल रहे। अब हम डिस्कस करते हैं लैंगस्टर्स थ्योरी को। लैंगस्टर्स थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ प्लेनुला के सॉलिड कॉलोनी से हुआ है, लेकिन यह थ्योरी इंडोडर्म फॉर्मेशन और मेटाजोआ के माउथ फॉर्मेशन को डिफाइन करने में असफल रहा। अब हम कॉलोनियल थ्योरी के आखिरी थ्योरी यानी हैकल्स थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। हैकल्स थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ स्फेरिकल फ्लैजेलेट यानी वॉल्वॉक से इवॉल्व हुआ है। यह थ्योरी एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस पे बेस्ड है। यह थ्योरी अच्छे से डिफाइन तो कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल को खुलासा नहीं कर पाए। फिर आखिरकार 1940 में हाइमैन ने इस थ्योरी को करेक्ट किया और इस थ्योरी की पूरी दुनिया ने सहमति जताई। अब देखते हैं सिंसिशियल थ्योरी को। इस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ प्रोटोजोआ से न्यूक्लियर डिवीजन से इवॉल्व हुए हैं। इस थ्योरी को 1958 में हद्जी ने पेश किया था, जो स्टेनबॉक और हंसन ने सपोर्ट भी किया था। यह थ्योरी बहुत सारे चीज़ को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया से स्वीकृत करने में असमर्थ रही। अब हम आखिरी थ्योरी यानी पॉलीफाइलेटिक थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को 1959 में ग्रीनबर्ग द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ स्पॉन्ज और किनिडेरियन से इवॉल्व हुआ है। स्पॉन्ज और किनिडेरियन दोनों मिलकर एक कॉलोनियल फ्लैजेलेट बनाते हैं, जिसे प्रोटो स्पॉन्जिया कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ।